बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर होगी हमारी मॉर्निंग। और व्लॉग देखने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट करें। और आज है मेरा एनिवर्सरी व्लॉग और आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करना था। खैर, मैंने प्रेपरेशन की, कोई भी जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी जो सेलिब्रेशन है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है। तो यहाँ पर बेटा जो था मेरा सो रहा था, क्योंकि सुबह का टाइम था। हस्बैंड के लिए मैंने दलिया गर्म कर दिया था और अपने लिए मैंने नाश्ता बना लिया था। उसके बाद जी कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सारे दिन मैं काम करती रही और इतना थक गई कि अब मैं यहाँ पर बैठ के जो है ना रात में चाय पी रही हूँ शाम में। और मेरे हस्बैंड जो है न्यूज़ देख रहे थे। और रात में जैसे मैं फीडर बना के अपने बेटे का भी लिया वो साथ ही, क्योंकि 10 बजे चली जाती है हमारी गैस। तो यहाँ पर थोड़ा जल्दी ब्लॉग आगे जा रहा है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी जैसे ना कुछ भी मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे था थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी कुछ भी, कोई आइटम एक आदि, लेकिन मैंने नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि आपको पता है मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया हुआ है। और जिस वजह से मैं मोबाइल यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, इस वजह से जो है मैंने ना जो कुकिंग है उसकी जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसकी जो है ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन खैर, इस टाइम मैं इतना थक चुकी थी और बस फिर मैं आराम से जो है ना वो बैठ गई थी। खैर, मैंने आप लोगों से सुबह मॉर्निंग जो है वो शेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, हस्बैंड चले गए थे शॉप में, उसके बाद लग गई थी मैं काम पे। और काम सारे ख़त्म हो गए, कुछ आइटम्स जो थी मैंने बना ली थी, कुछ आइटम्स मैंने मॉर्निंग में बनानी थी, क्योंकि अभी हो गई थी रात और जैसे कि 10 बजे फुल टाइम। तो अच्छी गैस तो चली गई थी और फिर मैंने काम भी स्टॉप कर दिया था अपना, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। और इसके बाद हो गई थी हमारी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मेरे साथ ही जो है ना वो प्रैंक हो गया था। मेरी एनिवर्सरी थी और आज मैंने सेलिब्रेशन भी करनी थी, लेकिन हमारी चली गई लाइट। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ क्लीनिंग शेयर करूंगी, लेकिन मैं क्या शेयर करूँगी, इतना सर्दी है और ऊपर से सर्दी में आपको पता है दिन नहीं धूप नहीं, तो जिस वजह से रोशनी भी जो बस इतनी ही आ रही थी जितनी आपको दिख रही है। तो खैर, मैंने सारे रूम वगैरह नीट कर लिया था और जो कुछ मैंने बनाया था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पर मैंने बनाया था सूप और मैंने फ़िश क्रैकर्स जो थे वो बना लिए थे, साथ में मैंने खीर बनाई थी, साथ में हस्बैंड केक ले आए थे और गाजर का हलवा भी मैंने बनाया था, आलू चने भी मैंने बनाए थे और अपने हस्बैंड की फेवरेट जो है वो चीज़ थी बिरयानी, वो भी मैंने बनाई थी, जो कि मेरी भी फेवरेट है। और एक हस्बैंड को मेरे ये जो रशियन सैलड है ये बहुत पसंद है। तो खैर, खीर मेरी पसंद की थी, गाजर का हलवा उनकी पसंद का था, कटलेट्स जैसे उनकी पसंद के थे, बिरयानी हम दोनों की पसंद की थी। हमारी एनिवर्सरी थी इसलिए हम लोगों ने मिली जुली वो चीज़ें बनाई हैं जो हम लोगों को अच्छी लगती थी। तो खैर, यहाँ पर हो गई थी हमारी अच्छी खासी मज़ेदार वाली सेलिब्रेशन। हस्बैंड को पहले यही था कि शायद बस नॉर्मल सा कर लेगी, लेकिन ये था कि बस मेरा, मुझे ऐसा था बस जो जो आइटम्स अच्छी लगती हैं उन्हें, जो जो आइटम्स मुझे अच्छी लगती हैं मैंने वो उनके साथ जो है शेयर की बनाई। और यहाँ पर जो है केक कटिंग हो रही थी और मेरा बेटा जो है वो और मेरे हस्बैंड जो है वो कर रहे थे केक कट। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कैंडल्स जलानी थी, केक भी बहुत प्यारा था। बहुत ही प्यारी सेलिब्रेशन हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारी जी 5th एनिवर्सरी थी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सारी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ। मैं चाहे बर्थडे वगैरह कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी एनिवर्सरी की एक अलग ही खुशी होती है, तो वह मैं अपनी हर साल जो है वो सेलिब्रेट करती हूँ। लेकिन इस साल आप लोग भी मेरे साथ हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ भी अपनी सेलिब्रेशन जो शेयर किया। तो आप भी हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ कीजिएगा, मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। अल्लाह पाक हम लोगों को ऐसे ही हमेशा साथ रखे, हम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और आप लोगों को भी खुश रखें, आबाद रखें। जिन जिन की एनिवर्सरी मेरे साथ है, अल्लाह पाक उन सब के लिए जो है अच्छा और अच्छे वाला सलामती का जो है साल वो लेकर आए और खुशियों भरा वो साल हो। और आप लोगों का अल्लाह पाक आपके बच्चों को भी अपनी ज़मान में रखे और आप लोगों के शोहर को भी और आप सबको, अपने पूरे जो भी आपकी फैमिली है जिन जिन की एनिवर्सरी मेरे साथ हुई है, तो अल्लाह पाक सबको जो है
अपने हिस्सों मान में रखें। आमीन सुम आमीन। तो बस यही थी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब आप लोगों को मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, क्योंकि देखिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। मैं प्रेपरेशन की तो वीडियो नहीं डाल सकी, लेकिन ये है कि जो जो मैंने बनाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं केक भी खा रही थी और मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है प्लेट भी बनाई, ताकि मैं आपको बताऊँ कि कितनी मज़े मज़े की चीज़ें थी जो कि मैंने इन्जॉय की, आप लोगों को भी दिखाई, और केक भी बहुत मज़े का था। उसके बाद खीर की तो क्या ही बात है, खीर तो सबको ही बहुत पसंद आई थी। माशाल्लाह से बहुत मज़े की खीर जो है वो बनी हुई थी। बाकी जो हमारे अपने जो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनके साथ भी मैंने जो था सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया था, सबको सबने मिलकर खाया था और सबको बहुत अच्छी लगी थी चीज़ें। तो जी यहाँ तक का मेरा आज का व्लॉग था मेरी एनिवर्सरी का। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और अच्छा सा कमेंट कर देना है, अच्छी सी दुआ दे देनी है। और लास्ट में जो हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था ये ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत अनस्टिच सूट था, तो बहुत प्यारा था ये सूट, बहुत प्यारा कलर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसको स्टिच करूँगी और फिर पहनूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, मेरी पूरी फैमिली को। ठीक है जी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।